वेलकम बैक गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि ट्रिपल एच सम पे है। तो हमें बेसिकली क्या दिया हुआ है कि एक एरे दिया है जिसका साइज एन है और एक इंटीजर एक्स दिया है। एक्स को एक तरह से टारगेट मान सकते हो। हमें पता करना है कि ऐसा कोई ट्रिपलेट एग्जिस्ट करता है एरे में जिनको अगर सम अप करे तो एक्स मिल जाए। ठीक है, अगर वो पॉसिबल है तो देखो हमें ट्रू रिटर्न करना है, यानी यस, अदरवाइज नो रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल ये है, 1 है, 4 है, 9 है, 6, 10 है और 8 है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमें कोई भी तीन एलिमेंट चलेगा, बस हमें सम क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो लेट सपोज देखो यहाँ से मैंने 1 उठाया, एक 4 उठाया और 8 उठाया। तो देखो ये 8 + 1 13 आ गया और ये तीन एलिमेंट है, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ये हमें पता करना है बेसिकली। देखो ऑर्डर मैटर नहीं करता कि कौन 4 पहले आया, 8 बार पहले आया, 8 सॉरी 1 पहले आया। हमें बेसिकली बस तीन एलिमेंट ऐसे है एग्जिस्ट करता है, बस वो पता करना है। तो इससे आपको हिंट मिलेगा कि हम वी कैन सॉर्ट द एरे। ठीक है, तो पहले हम ब्रूट फोर्स डिस्कस करेंगे। ब्रूट फोर्स भी क्या होगा कि हम तीन फोर लूप लगाएंगे, तीनों क्या होगा, एक पहला नंबर के लिए, एक दूसरा नंबर के लिए, तीसरा नंबर के लिए, बेसिकली हम करेंगे। ठीक है, तो उसकी दो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, दो एक आई के लिए हम चलाएंगे, एक जे के लिए, एक के लिए। तो तीन फोर लूप के कारण ऑर्डर ऑफ एन की क्यूब हो जाएगा और स्पेस हमने कुछ यूज़ नहीं किया। पर इसमें अगर कंस्ट्रेन अगर हम देखें तो वो क्या है, 10³ है। तो अगर हम इसे कोड करते हैं दैट विल गिव यू टीएन। तो अब हमारे पास क्या आता है कि हम क्या इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बेटर वे में। ठीक है, ठीक है, तो मैंने एक हिंट दे दिया है कि हम इसका इसमें क्या कर सकते हैं, शॉर्टिंग कर सकते हैं। अब शॉर्टिंग करने पे भी कैसे ये ऑप्टिमाइज होगा वो आप थोड़ा सोचें। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस नॉलेज इसमें यूज हो रहा है। देखो शॉर्टिंग एरे पे अगर मुझे टारगेट निकालना है दो नंबर का, मुझे ऐसे, ठीक है, हिंट देता हूँ मैं कि बेसिकली एक एरे शॉर्टेड है, जैसे 1, 4, 9 और ये 13 है एक तरह से। तो हमें इसमें क्या निकालना है, इस टारगेट सम 10 है, ऐसे क्या कोई दो नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका टारगेट क्या हो, 10 हो। ठीक है, तो मैं पहले ये बताता हूँ टू पॉइंटर वाली अप्रोच, क्योंकि उसी से ही ऑप्टिमाइजेशन होगा। क्योंकि देखो अगर मैंने इसे शॉर्ट भी कर दिया, शॉर्ट करने के बाद क्या होगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा, लेकिन अभी भी मुझे तीन ही एलिमेंट चाहिए ना, कैसे भी करके मुझे एक फोर लूप को कम करना होगा, है ना। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं बस पहले क्वेश्चन डिस्कस कर, जैसे मैं नया क्वेश्चन देता हूँ, 1, 4, 9 और ये 13 है। ठीक है, इस एरे में ना मुझे टारगेट एक्स इक्वल टू 10 बनाना है। कैसे बनाएंगे, अब बेसिकली इसमें दिया क्या है, क्वेश्चन ने कहा कि जो एरे है शॉर्टेड होगा हमेशा। ठीक है, तो इसको सोचो कैसे कर सकते हैं टारगेट, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आना चाहिए ऑर्डर ऑफ एन आना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन में हमें ऐसे दो एलिमेंट निकालना है आई और जे इस एरे से जिसका सम क्या हो, 10 हो। ठीक है, वो एन लगाना है और किसी हम और एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ करना कोई। ठीक है, तो आई होप कि तुमने सोचा होगा। तो अब देखो इसमें कैसे करते हैं हम बेसिकली, क्योंकि देखो हमें दो नंबर चाहिए, अब एरे क्या है शॉर्टेड है। तो हम इसमें बेसिकली टू पॉइंटर का हेल्प लेते हैं, एक पॉइंटर जो है स्टार्टिंग में डालते हैं और दूसरा पॉइंटर एंड में डालते हैं। अब इसके पीछे देखो लॉजिक क्या है, क्योंकि देखो हमें क्या करेंगे, इनका सम निकालेंगे। तो सम क्या आ गया, देखो सम आएगा एरे ऑफ आई पे जो एलिमेंट पड़ा है और एरे ऑफ जे पे। तो अभी हमारे पास जो आई पे 1 पड़ा है और जे पे 13 पड़ा है, ये ओवरऑल हो गया 14। अब देखो तीन कंडीशन हो सकता है ना यहाँ पे, कि जो हमारा सम आया है वही टारगेट आ जाए, इक्वल इक्वल टू टारगेट, पहला कंडीशन। ठीक है, सम जो है हमारा ग्रेटर देन आ जाए टारगेट से, टारगेट यहाँ पे एक्स है। तीसरा कंडीशन जो सम है लेस देन आ जाए, यही तीन हो सकता है ना। ठीक है, ये वाला कंडीशन अगर होगा तो ये तो बढ़िया है, हम यहीं से क्या कर देंगे, रिटर्न हो जाएंगे कि हमें टारगेट मिल जाए, तो यहाँ पे ट्रू दे देंगे। ठीक है, अब ये केस दे दो, जैसे यहाँ पे 14 आया, हमें सम कितना चाहिए, 10। तो देखो सम ग्रेटर देन आ गया एक्स, यानी ये वाला कंडीशन। अब इसमें देखो क्या करना चाहिए, अब देखो क्योंकि एरे शॉर्टेड है, शॉर्टेड के अकॉर्डिंग सोच, शॉर्टेड में क्या होता है कि जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे क्या मिलते हैं, हमेशा ग्रेटर नंबर मिलते हैं, यानी बढ़ते हैं नंबर। जैसे देखो आगे बढ़ा तो 1 से 4 मिला, इंक्रीज़ कर गया। ठीक है, एक पहला बात यह है, और दूसरा देखो अगर मैं पीछे जाता हूँ तो डिक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेगा।
ठीक है, इसी के हेल्प से हम करेंगे। देखो हमारा सम कितना है, 14, और हमें क्या चाहिए, 10। तो सम देखो 14 है और ये 10 है, तो हमें सम को डिक्रीज करना होगा ना। अगर मुझे 10 के पास जाना है तो 14 को कम करना होगा। ठीक, कम कैसे कर सकते हैं, अभी मैंने बताया पीछे जा करके, पीछे वाला पॉइंटर कौन सा है, जे, तो यानी जे को पीछे गया। ठीक है, समझ आया। क्योंकि देखो हमारे पास दोनों के सम है, या तो मैं इसको कम कर दूँ या इसको कम कर दूँ। अगर मैं आई को कम कर सकता हूँ, नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं आगे जाऊँगा तो आई और बढ़ जाएगा, तो आई को नहीं कर सकता। लेकिन पीछे जाने पे जे कम हो जाएगा डेफिनेटली, तो कम हो गया। अब फिर से हम सम निकालते हैं, नया जे ये रहा, इसको मैं ब्लैक से कर रहा हूँ। अब दोबारा सम करो, देखो 1 + 9, तो देखो 10 हो गया। क्या हमारे टारगेट के बराबर है, हम यहीं से रिटर्न कर जाएंगे। लेट सपोज कि टारगेट हमारा क्या होता, हमारे पास टारगेट होता 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10 लेके आ गए, अब टारगेट 5 है। देखो टारगेट क्या है, छोटा है 5 से। ठीक है, अगेन देखो टारगेट जो है छोटा हो गया, यानी सम हमारा ग्रेटर हो गया। तो फिर से हमें क्या करना होगा, जो टारगेट 5 चाहिए, हम 10 पे खड़े हैं, तो हमें सम को कम करना होगा। कैसे कर सकते हैं, 6 को पीछे ला कर, चाहिए यहाँ। देखो अगेन अब दोबारा कैलकुलेट करेंगे, 1 + 4 = 5, इक्वल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लेट सपोज कि यहाँ पे 15 होता, तो हम क्या करते, जो हमारा सम क्या आया अभी 5 आया है और हमें चाहिए 15, तो हम क्या करते। देखो थर्ड कंडीशन, जैसे मैं एग्जांपल और लेता हूँ, ये समझ आया ना कि हम इस वाले केस में क्या करेंगे बेसिकली। क्योंकि तो हमारा सम जो है ग्रेटर है एक्स से, तो हम जे को ना माइनस माइनस करेंगे, जे को पीछे लेके आएंगे। अब ये वाला केस देखते हैं, सम जो हमारा ग्रेटर हो, लेट्स सपोज हमारा टारगेट क्या होता, 14 होता, 14 17 ले लेते हैं, चलो। ठीक है, और हमें पता करना है कि क्या पॉसिबल है इस एरे से कि नहीं। तो हम वही दो पॉइंटर बिठाया, ए आई और जे, हमने देखा सम निकाला तो 1 + 13, ये आ गया देखो 14। अब देखो हमारा जो टारगेट है 17, वो ग्रेटर हो गया, यानी इस 14 को हमें बढ़ाना होगा। बढ़ाना होगा इसका मतलब क्या है कि इसको देखो बढ़ाएंगे तभी तो ये 17 के पास जाएगा। बढ़ कैसे सकता है, देखो अब बढ़ाने के लिए मैंने बताया कि आई आगे आगे जाता है तो बढ़ता है, और जे पीछे आता है तो घटता है। तो हमें घटाना थोड़ी है, बढ़ाना है, तो इसलिए जे को कांस्टेंट रख दिया, यहीं पे रख दिया, आई को आगे बढ़ा दिया। तो आई जैसे ही आगे बढ़ाया तो डिजिट बढ़ गया ना, अगेन हम सम निकालेंगे, तो यानी यहाँ पे क्या करना है, आई प्लस प्लस। तो हमारा सम आप देखो क्या आ गया, 4 + 13, जो कि टारगेट के 11 है 17 के, बस रिटर्न कर गए। तो बस यही टेक्निक यूज़ करेंगे हम, जो हमारा ये 3 सम वाला प्रॉब्लम है, थ्री सम में बेसिकली 2 सम का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, दो नंबर तो हम ओ एन में निकाल देंगे। देखो हमारे पास 3 लूप था कि पहला नंबर निकालो, दूसरा नंबर निकालो, तीसरा नंबर, तो पहला नंबर तो मैं निकालूंगा ही, बाकी जो जे और के निकाल रहा था ये दोनों के लिए मैं 2 फोर लूप लगा रहा था। अब जब मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा तो इस ये दोनों फोर लूप एक फोर लूप में काम आ जाएगा, यानी ओ एन में, जो ऑटोमेटिकली इसका टाइम क्या हो जाएगा, एक एन यहाँ पे और एक एन यहाँ पे, एन स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि समझ आया हो, तो आप इसको खुद ट्राई करो कि कोड कर देगी, ऐसे तो मैं आप बताऊंगा इसको सेम मेथड को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे शॉर्ट कर देना। ठीक है, हमने शॉर्ट कर दिया, फिर हम क्या कर रहे थे, एक पॉइंटर आई लेंगे। देखो हमारा सम क्या होगा, सम इक्वल टू एरे ऑफ आई, एरे ऑफ जे एंड एरे ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमारा सम है। तो बेसिकली देखो हमें क्या करना है, देखो मैं टारगेट 13 चाहिए, अब मैं एक एलिमेंट तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो अब मुझे देखो टारगेट कितना चाहिए, एक्स माइनस जो एक एलिमेंट मैंने सेलेक्ट किया है उसका सम। ठीक है, तो हमारे टारगेट चाहिए एक्स माइनस जो एरे ऑफ आई पे है, यानी 1, यानी अब नया टारगेट 12 चाहिए। तो यानी देखो जो बचा हुआ एरिया है उसमें से मुझे पता करना है कि 12 पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल। तो देखो ये हमने ओ एन में चला देंगे और ये ओ एन में हो जाएगा, तो हम पता करते हैं। अब दोनों वही 2 पॉइंटर लगाएंगे, अब टारगेट हमारा क्या आ जाएगा, 12, और हमारे पास एरे का साइज़ कितना है, इतना। इस पार्ट में से मुझे पता करना है ना, तो मैं क्या करूँगा बताओ, एक पॉइंटर यहाँ रखूँगा जो कि स्टार्टिंग में होगा और एक एंड में होगा। टारगेट हमें चाहिए कितना, नया टारगेट है 12, क्योंकि 1 जो है ऑलरेडी आई वाले एलिमेंट ने दे दिया है। ठीक है,
हम दोबारा हम दो पॉइंटर वो जो अभी लगा रहे थे, तो पहला एलिमेंट 4 है, अगला एलिमेंट 10 है, तो ये क्या आ गया 14। ठीक है, अब 14 क्या है, छोटा छोटा है ना, सॉरी 14 बड़ा है 12 से, तो हमें क्या करना हो, 14 को डिक्रीज करना हो। डिक्रीज कैसे करते हैं, जे को पीछे ला कर, तो जे यहाँ आ गया। अब नया सम निकालेंगे तो 9 + 4 क्या आ जाएगा, 13। 13 अगेन देखो क्या है, ग्रेटर है 12 से, तो जे को पीछे गया। तो अब नया एलिमेंट क्या आया, देखो 8 + 4 आ गया, तो देखो 12 आ गया। देखो 8 + 4 क्या आ गया, 12 आ गया। अब ये 12 देखो ये टारगेट के बराबर है, बिल्कुल है भैया, तो यहीं से हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो आई होप कि समझ आया होगा। देखो बेसिकली हम हमारा ये जो आई है एक पॉइंटर है जो कि फर्स्ट नंबर को बताएगा। अब देखो फर्स्ट मुझे सम पता है कि टोटल कितना सम चाहिए ना, 13 चाहिए, यानी बेसिकली ये एक्स है। और पहला एलिमेंट मुझे पता है जो कि आई दे देगा, तो जो बचे दोस्त है उनका सम क्या आ जाएगा बताओ। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें बेसिक कहिए, तो ये एक्स है, तो एक्स माइनस एरे ऑफ आई, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, बचे हुए दो एलिमेंट का सम, जो दो एलिमेंट जी और के है। तो मैंने कहा कि जो बचा हुआ एरे है, क्योंकि वो हमने शॉर्ट कट रखा है एरे को, तो मैं वहाँ पे क्या कर सकता हूँ, दो पॉइंटर की हेल्प से इसको टाइम को रिड्यूस कर सकता हूँ। देखो अगर मैं जनरली दो एलिमेंट को सर्च करूँ इस एरे में जिनका सम टारगेट हो, तो मुझे कितना टाइम लगता है, एन स्क्वायर। लेकिन मुझे फ़ायदा यहाँ पे दिया हुआ एरे की शॉर्टेड है, शॉर्टेड होता है तो ओ एन में पता कर सकते हैं यूजिंग टू पॉइंट। तो लेट्स कोड इट, अब इसको कोड करते हैं जैसे बताया। तो बेसिकली हमें क्या करना था, एक पहले तो एरे को शॉर्ट करना है। तो इसको शॉर्ट कर देते हैं, इसको बोल देते हैं एरे, एरे प्लस एन। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, फॉर लूप चलाते थे बाहर, क्योंकि हमें देखो यहाँ पे स्टोर नहीं करना कि कौन कौन से सम पॉसिबल है, जस्ट वी नीड टू कि जैसे हमें मिल जाए तो हम रिटर्न कर दें, इसलिए मैंने कोई वेरिएबल नहीं लिया आंसर को स्टोर करने के। एक पॉइंटर बाहर तो चलेगा ही, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हमें दो पॉइंटर के लिए नया टारगेट क्या हो जाएगा, इसको बोल देते हैं इंट टारगेट। टारगेट क्या हो जाएगा बताओ, जो हमारा एक्स है माइनस एरे ऑफ आई। ठीक है, अब हमें इस सम को निकालना है बचे हुए एलिमेंट में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अप्लाई टू पॉइंटर मेथड। टारगेट, ठीक है, टारगेट को हमें निकालने के लिए दो पॉइंटर लगाएंगे। तो अब दो पॉइंटर कैसे सेलेक्ट करें, थे एक तो देखो क्या था, एक आई के जस्ट बाद था ना, ये जे यहाँ है और के है, तो के तो हमेशा लास्ट में रहेगा, आई के जस्ट बाद हम जे स्टार्ट करते हैं। तो ये बस यहाँ पे लिख देंगे जे क्या आ जाएगा, ओके टी जाए जे इक्वल टू आई प्लस वन, और एक के है हमारे पास वो क्या होगा साइज माइनस। ठीक है, और पीछे नीचे वाला लूप कैसे कब तक चलाएंगे बताओ, वाइल जो हमारा जे है लेस देन इक्वल है के, है ना। ये देखो क्या होगा कि के पीछे आ रहा है, जे लेट्स आगे जा रहा है, फिर आगे जे आगे जाएगा के पीछे आएगा, तो जब हमारा जे आगे चला जाए और के पीछे आ जाए तो इसी केस में हम स्टॉप हो जाते हैं सर। ठीक है, ये कंडीशन हमने लगा दिया। अब हम अंदर गए, तो अंदर जाते हम क्या चेक करते हैं कि जो हमारा एक सम निकालते हैं, सपोज इसको सम बोल देते हैं, सब क्या आएगा एक एरे ऑफ आई पे जो एलिमेंट, सॉरी आई नहीं जे पे जो एलिमेंट है प्लस के पे जो एलिमेंट है, इनका हम सम निकालते हैं और फिर वो तीन कंडीशन चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा जो सम है वो इक्वल है जो हमें टारगेट चाहिए था। अगर है तो हमें ट्रू रिटर्न करना क्योंकि हमें मिल गया, एल्स इफ। अब वो दूसरा अगला कंडीशन कि सम जो है ग्रेटर हो सकता है टारगेट से, सम देखो बड़ा हो गया तो सम को हमें छोटा करना है, छोटा कैसे कर सकते हैं, यूजिंग जे को पीछे, सॉरी के को पीछे ला कर। यहाँ पे हमारा जो ये वाला पीछे वाला पॉइंटर के है ना, क्योंकि आई ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो ये जे है के है, तो अब पीछे इसको कर देंगे के को ताकि छोटे नंबर मिले। अब थर्ड कंडीशन ऑटोमेटिकली देखो सम इक्वल नहीं है, ग्रेटर नहीं है तो लेस होगा,
जब लेस होता है तो हमें बढ़ाना होता है, तो हम आई को प्लस प्लस कर। और मान लो यहाँ से आंसर नहीं आया तो लास्ट में हम क्या कर देंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है बढ़ाना, ठीक है। अब इसको कंपाइल करते हैं, ओके जे अच्छा वाइल एल आई यहाँ पर, ठीक है। ठीक है तो ये चल गया, लेकिन इस कोड में एक प्रॉब्लम है। देखो कैसे, मैं एग्जांपल में देखता हूँ, एग्जांपल को मैं यहाँ करता हूँ। बेसिकली देखो, अब तीनों जो एलिमेंट है वो डिस्टिंग होना चाहिए था ना, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जे लेस देन आई। तो हो सकता है कि जो जे वाला एलिमेंट है ये इक्वल वाला हमें नहीं चलाना। अब ये कैसे नहीं, एक एग्जाम्पल मैं इसमें सोच के बताता हूँ इसमें। और यहाँ पे आई नहीं जी आएगा, तो ये जनरली ध्यान रखना कि जब हम लूप वगैरह करते हैं ना तो कहाँ पे किसकी डेफिनेशन, आई की आदत होती है हमें जनरली, लेकिन यहाँ पे जे और के चल रहे हैं। तो ये कंडीशन में कह रहा था, जैसे मान लो एग्जांपल मैं देता हूँ, वैसे इस जी एफ जी में देखो सबमिट करूँगा ना तो ये कोड भी चल जाएगा, क्योंकि वो एज केस यहाँ पे डाला ही नहीं है, ठीक है, चल गया नहीं है। लेकिन वो एज केस बेसिकली इसमें क्वेश्चन में भी नहीं कहा गया कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए तीनों एलिमेंट, पर अफकोर्स डिस्टिंग होंगे तभी। देखो जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो कि ये दो साइज का ही मान लेते हैं, एक ये है, ठीक है। हमें टारगेट क्या बनाना है, 9, ठीक है। टारगेट 9 बनाना है तो हम अपने मेथड में कर क्या रहे कि एक पॉइंटर भैया आई यहाँ पे ला रहे हैं, और जे जो होगा आई प्लस वन पे, यानी जे यहाँ होगा, और के क्या होगा एंडिंग पे, यानी एन माइनस वन पे, ये ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं बेसिकली, आई पे जो एलिमेंट है 1, और जो टारगेट है उसका डिफरेंस निकालते हैं। तो देखो 8, यही कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। जो नया टारगेट है क्या आएगा, एक्स माइनस एरे ऑफ आई, तो एक्स तो 9 है और ये एरे ऑफ आई 1 पे है, तो ये 8 आ गया, यानी नया टारगेट 8 ढूंढना है बचे हुए एरे में से। तो हम क्या करते हैं, दूसरा पॉइंटर लेते थे आई प्लस 1 पे, आई प्लस 1 पे, और के लास्ट में लेते थे। तो देखो इसका लास्ट और आई प्लस 1 दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का सम निकालेंगे, तो दोनों का सम क्या आ जाएगा 8। अब ये तो कह देगा मैच कर गया, लेकिन क्या इसमें तीन एलिमेंट है, नहीं है ना। तो ये वाला केस जो है, इस केस में ना ये रॉन्ग आंसर दे देगा, तो इसलिए हम यहाँ से इक्वल का हटा देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे इक्वल वाला केस चलाऊँ, इक्वल नहीं आएगा इसलिए, क्योंकि तो वो दो बारी ना एक ही एलिमेंट को काउंट कर देगा जी और के, कि हम यहाँ पे अल्टीमेटली कर जा रहे हैं सम निकाल रहे दोनों का। अब जब दोनों सेम एलिमेंट पॉइंट करेगा तो वो देखो, लेकिन इसमें जो है जी एफ जी में अगर सबमिट करते देखते हैं, एज केस देखो है बस, ठीक है, तो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, होप की समझ आया हो। और इसकी देखो टाइम क्या हो जाएगा, एक ये फोर लूप चल रहा है, और ये देखो वर्स्ट केस में क्या होगा कि हम दोनों एरे को सारे एलिमेंट को विजिट करेंगे जे और के, लेकिन एक ही टाइम करेंगे, क्योंकि या तो जे आगे जा रहा है या के पीछे, तो इस ये भी एन ले लेगा, तो यानी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो गया। स्पेस हमने कुछ लिया ही नहीं, बस इसमें ये बस ध्यान रखना था। तो दो चीज़ें हमने सीखी कि जब भी एरे सॉर्टेड हो तो हमें क्या करना है, टू पॉइंटर के हेल्प लेना है टारगेट को निकालने के लिए। तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, अगर पसंद आए तो एक जरूर लाइक करना, ठीक है, कमेंट भी।